तो गाइस आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि कौवा आया है और ये मक्की मांग रहा है भाई, भाग भी नहीं रहा है यहाँ से। तो इसको दे दिया, देखो कि मजे से खा रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको। हाँ, भाग गया, डर गया शायद थोड़ा सा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारा यूट्यूब चैनल। तो कैसा था हजूर को हली चली? आज फिर जा रहे हम वंस अगेन सुरखेत की ओर। अरे काफ़ी कोहरा कोहरा बना हुआ है आगे, बस मैं सोच रहा था जाऊंगा नहीं, फिर से जा रहे हैं एक और बार सुरखेत की ओर हम। तो अभी जा रहे हम लाली बाजार होते हुए, भैया वगैरह निकल गए हैं आगे, तो उनको पकड़ना है फटाफट से। ये तो मेरा डायलॉग ही बन गया वैसे ही फटाफट से। और यहाँ पे देखो आप, ज़्यादातर लोग साइकिल ही चलाते हैं। मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, आज का जो मौसम है काफ़ी सुहाना है बाइक राइडिंग के लिए, क्योंकि बादल आए हुए हैं आसमानों में और मौसम भी काफ़ी ठंडा है। और भैया वगैरह पता नहीं कहाँ निकल के आ गए। तो फाइनली पहुंच गए हम यहाँ पे नेपालगंज में, और सामने भाई इतना बड़ा ट्रॉला चला हुआ है भाई, यानी क्या भरा हुआ है, इससे जो निकल रहा है ना घूस जैसा, बिल्कुल बिल्कुल आँखों में जा रहा है मेरे। मैंने वाइजर खोला हुआ था, मुझे तो यहाँ से लेना है लेफ्ट ही से लेना हो। ये भाई ये भी ले रहा है लेफ्ट ही, मतलब फुल ऑन पावर में ही आज मेरे पूरे आँखों में भूसा ही भूसा भर लेगा ये। तो उसको करते हैं यहाँ से हम ओवरटेक, नहीं तो ये हमारा कर देगा बुरा हाल। तो भाई आज जो है नेपालगंज में इतनी ज़्यादा गर्मी तो है नहीं है, क्योंकि आज बादल है, तो मतलब कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और क्या चाहिए हमारे को भाई। ऐसे नेपालगंज को फटाफट से अब क्रॉस करेंगे, उसके बाद एंटर हो जाएंगे हम कोलपुर में। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं कोलपुर, बस पहुंच ही गए, बस यहाँ पे बाइक साइड में लगाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट मार लेते हैं, भैया वगैरह का भी वेट कर लेंगे हम यहाँ पे। और बस खाया भी नहीं, देखते कुछ यहाँ खाने का कुछ इंतज़ाम है तो कुछ खा लेंगे थोड़ा बहुत।
बस इधर ही लगाते हैं बाइक साइड में, यहाँ आगे दिख रहा है मुझे थोड़ा सा, ये नालू जैसा बना है कुछ, हम तो नालू ही बोलते हैं, यहाँ पे लगाते हैं बाइक साइड में और करते हैं भैया का यहाँ पे वेट। तो फाइनली पहुँच गए हम कोलपुर पे। यहाँ पे अभी भैया वगैरह पीछे रह गए थे, तो मैंने सोचा वो आगे निकल गए लेकिन वो रह गए पीछे ही। हम तो कोलपुर नहीं पहुँच गए यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अभी तो ज़्यादा गर्मी नहीं है क्योंकि आज थोड़ा बादल बादल सा दिख रहा है। तो मैं कर रहा था मैं आराम से चला, तो इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं चल रहा था। पता नहीं अब भैया वगैरह क्या कर रहे हैं, स्कूटी में तो ऐसे भी टाइम लग ही जाता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी है नहीं अभी यहाँ पे। बस बैठते थोड़े से वेट करते हैं भैया वगैरह का, क्योंकि साथ निकलेंगे यहाँ से और सनसेट वो मेरे मुँह में लग रहा है। अब थोड़ी देर वेट कर ही लेते हैं, फिर इतना रुक गए तो बस अब निकलेंगे थोड़ी देर में। थोड़ा कुछ खा लेते हैं यहाँ पे, कुछ फल फूल दिख रहे हैं, केले वगैरह वो खाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। भैया वगैरह वेट कर लेते हैं पहले। तो चलते अब यहाँ से, भैया वगैरह निकल गए आगे। कल रात को पता नहीं इतना क्या खा लिया था मैंने, मेरा थोड़ा पेट खराब हो गया, तो मैं गया था भैया टॉयलेट बस पार्क के पास पर है कोलपुर के पास, कोलपुर में जो बस पार्क है वहाँ गया था, तो टॉयलेट गया था। तो भैया वगैरह आगे निकल गए हैं, जाते हैं उनको पकड़ते हैं, मतलब कि वो काफ़ी पीछे रह गए थे हमारे से ना, तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए होंगे अब तो, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया यहाँ पे, पर स्कूटी वाले पकड़ लेंगे उनको फटाफट से। और ये रही सामने भैया की स्कूटी, हमने भैया को पकड़ ही लिया आखिरकार। भाई मैं ही चल रहा हूँ यहाँ पे 70-80-90 नॉर्मल चल रहा हूँ मैं इतना, और भैया उससे ज़्यादा चल रहे हैं भाई, क्या ही फिट रखी है भैया ने स्कूटी भाई, कतई जहर वाली ड्राइविंग कर रहे हैं वहाँ पे। थोड़ी देर में आर्मी वालों का कैंप भी आने वाला है आगे, और आगे हम आर्मी वाले के कैंप में, अब हमारे पास कैमरा ऑफ करने के लिए बोलेंगे शायद से, करना ही पड़ेगा क्योंकि पहले भी वार्न किया था मेरे को। हाँ तो इशारा कर दिया पर से, अब कब कैमरा कर देते हम यहाँ पे बंद। तो फाइनली निकल गए हम वहाँ से, बस पूछताछ किया कहाँ से आ रहे, कहाँ तक जाना है, डॉक्यूमेंट वगैरह फलाना ढिकाना जो भी है भाई, क्या जंगल है भाई। और भैया भाई भैया के पीछे पीछे चलना पड़ेगा, भैया से आगे नहीं जा सकते हम, क्योंकि फिर भैया सोचेंगे आगे निकल गए तो काफ़ी रश ड्राइविंग करेंगे, जो हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि रास्ता उतना खुला नहीं है। इंडिया में तो काफ़ी खुला होता है, बड़े डबल बोर है पर उतना ज़्यादा खुला रास्ता है नहीं है, और गड्ढे गड्ढे आते हैं बीच में। चलते भैया के पीछे पीछे बिल्कुल मज़े मज़े से चलते हैं, हमें कोई किसी बात की जल्दी तो है नहीं भाई, क्या मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, क्योंकि नीचे प्लान में रह रहे के हो गए थे हम बोर, यहाँ पर तो भाई बिल्कुल जंगल के बीच से ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कॉर्नरिंग करने में भी आ रहा है मज़ा। तो चलते चलते फाइनली पहुँच गए हम यहाँ बबई में, यहीं पर बोलते भाई वगैरह खाने खाने के लिए, बट टैली ट्रैफिक वाले ने शायद रोक लिया, मतलब रोक ही लिया अब। हजर 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 चैनल सर्च कर मैं तो इंडिया बट आक तर अलग तो नेपाल कंट्री आक डकुमेंट दिखा पड़ता हजर हजर हजुर गाडी इन्डियनको इन्डियाबाट आएको हजुर हजुर हुँ उतै बस्ने ऊ निकाल पस निकाल चार्ज यो माइक हो हजुर 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 नेपालमा सामान महँगो हान्छ यो पाइन्न खासै हजुर अलि सुर्खे जाने जन्मघर तर बढ दिया तारा तल आठ नम्बर म त धेरै इन्डियामा रहन्छु नि त्यो भएर पनि आठ नम्बर निस्किन्छु धेरै घुमे छैन म खासै त्यो थाहा छ तर चाहिँ दुई ठाउँ छ हाम्रो जग्गा नागरिकता चाहिँ दुई नम्बरदेखि बनाएको छ
वार्ड नम्बर छ वार्ड नम्बर छ हजुर तर पर बसाइ के आठ नम्बर उहाँले चिन्नुहुन्छ वीरबहादुर खत्री त्यहाँबाट सूर्यबहादुर खत्री चिन्छु दाई त हुनुहुन्छ साके दाई अब साके हजुर हजुर त्यो वार्ड बनाएको छ त नयाँ हो चिन्नु भयो चलो निकलते हैं यहाँ से। तो अपने गांव के बंदे थे, पूछ रहे थे कहाँ से आए हैं, अंसार वगैरह के बारे में पूछ रहे थे, जो कि हमारे पास पूरा होता है डॉक्यूमेंट। पर काफी अच्छे ट्रैफिक वाले थे, कुछ ज्यादा इन्होंने कुछ बदतमीजी की नहीं। तो फाइनली पहुंच गया हम यहाँ बबई पे, बबई पे बैठे हुए हैं, अब खाने पीने का इंतजाम करते हैं। काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही है, सुबह जो खाए तब दो जगह से काम चला रहे हो भैया का, करते वेट थोड़ी देर, अपना कहाँ गए भैया, उनका वेट करते थोड़ी देर, खा लेते कुछ, देखते कुछ नॉन वेज ही खानी होनी है ना, तो मच्छी मुच्छी मंगाया था कुछ, चिकन चिकन जो खाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट मारते हैं। और बढ़िया रूम मिल गया यहाँ पे बैठने के लिए, आप देख सकते टेबल लगा हुआ, फैन चला हुआ है, काफ़ी ठंडा है, तो खा पी के मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनली खाना खा के हम हो चुके हैं यहाँ पे, ज़्यादा खाना खा लिया कि नहीं लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे खा दिया, रेस्ट करते हैं, फिर यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं।